प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता अपना नाम रामकेश्वर बता रहे हैं। आप नेपाल भैरवा के रहने वाले हैं। आप पूछते हैं कि गुरुदेव, मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं और मेरे चित्त में भी कई बार ये प्रश्न आता है कि जब अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तोड़ा गया तो राम जी अपने ही मंदिर को नहीं बचा पाए, और जब मस्जिद तोड़ी गई तो अल्लाह अपनी मस्जिद को नहीं बचा पाए, और गुरुदेव साथ में ही जब काशी में भगवान शिव का मंदिर तोड़ा गया तो काशी के कोतवाल, जिनको हम भैरव जी कह रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? वो भगवान के मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए। तो मेरे प्रश्न का कृपा करके आप उत्तर दें। आपके मित्र पूछ रहे हों या आप पूछ रहे हों, आपके चित्त में प्रभु के प्रति कोई ना कोई बात या कोई संदेह या शंका पैदा हो गई। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो काशी के जो कोतवाल जी हैं, कोतवाल का काम क्या होता है? क्या मंदिर को बचाना या बनाना, या उनका कार्य क्या है? शास्त्र में आप पढ़ेंगे तो कोतवाल की क्या ड्यूटी, क्या जिम्मेवारी बनती है कि काशी नगरी में कोई भी पाप आत्मा वहाँ आकर के निवास न करे लंबे समय तक। यदि वो पाप आत्मा वहाँ आकर के निवास करेंगी तो भगवान शिव उस स्थान पर रहने वाले की यदि मृत्यु होती है तो शिवलोक का वह अधिकारी हो जाता है। बाबर या जो भी मुगल वहाँ आए, उन्होंने हमारे मंदिर को ध्वस्त किया, उस मंदिर की रक्षा करना कोतवाल का काम नहीं। पहले तो जान लीजिए, कोतवाल का काम है कि कोई भी पाप आत्मा दुरात्मा वहाँ आकर के निवास करके लंबे समय तक नहीं रह सकती, उसका चित्त चलायमान हो जाएगा। और यदि वो आत्मा वहाँ निवास करेगी तो कहते हैं अंत समय में वहाँ जो मृत्यु को प्राप्त होगा तो भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश अमुक अमुक उस मनुष्य के कान में कहते हैं, और उसी क्षण उसी पल तारक मंत्र के प्रभाव से वह अमुक अमुक आत्मा शिवलोक की अधिकारी हो जाती है। तो उस पाप आत्मा को वहाँ लंबे समय तक वो रहने नहीं देंगे। अब मंदिर हमने बनाया, भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। अब जिस प्रकार बालक को जन्म देने वाले माता पिता बालक की रक्षा करते हैं, बालक को भोजन करवाते हैं, ये जिम्मेवारी माता पिता की है, भगवान की नहीं है। जिस माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया उसका लालन पालन पोषण माता पिता ही करेंगे। तो उसी प्रकार से जिस भगवान की साधना आराधना हमने करनी है, हमने मंदिर बनाया, भगवान को मूर्ति के रूप में बिठाया, तो उस मूर्ति की रक्षा सुरक्षा सेवा शुश्रूषा भी हमें करनी चाहिए। 5 वर्ष के बालक की तरह भगवान के मंदिर में जो श्री विग्रह है उसकी हमें सेवा करनी चाहिए, भोग अर्पित करना चाहिए। तो ये काम शासन प्रशासन और हम सनातन धर्मियों का है, ना कि काशी के कोतवाल का। उसके आगे कोतवाल हैं। यदि आप सेवा करोगे, मंदिर में रह करके साधना करोगे, तो काशी के कोतवाल आपकी चेतना को उस महाचेतना से जोड़ देंगे, ये कार्य उनका है। यदि आपके चित्त में कोई पाप है, कोई भ्रांति है, कोई दोष है, तो वो उसको मिटा देंगे, ये कार्य काशी के कोतवाल का है। ये काम उनका नहीं है कि भगवान को भोग भी वो लगाएंगे, आरती भी वो करेंगे, दीप प्रज्वलित भी वो करेंगे। तो कृपा करके कोतवाल का काम क्या है ये हमें समझना चाहिए। और रही बात अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया या मस्जिद तोड़ी गई, राम नहीं बचा पाए या अल्लाह नहीं बचा पाए, मैं दशरथ पुत्र राम को सर्वशक्तिमान मानता हूँ। और ये मैं ही नहीं मानता, बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, कबीरदास जी भी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं, राम हमारी वो महाचेतना है, राम वो महाआकाश है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, राम वो तत्व है जो सब में रमा हुआ है, रमन्ते इति रामा, जो सब में पूर्ण रूप से जो एलिमेंट समाया हुआ है, जो तत्व समाया हुआ है, जिस तत्व ने सबको धारण किया हुआ है, राम वो तत्व है। उसी तत्व को पाने के लिए ऋषि महर्षियों ने अयोध्या में राम के मंदिर को स्थापित किया, लेकिन कालांतर में समय के प्रभाव के कारण कुछ आक्रांता आए और हम सनातन धर्मी उस बिल्डिंग को, उस मंदिर को नहीं बचा पाए। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से भारत की जो सरकार है, भारत के जो सनातन धर्मी जो लोग हैं, जो भारतीय लोगों ने अपनी आस्था को, अपनी चेतना को एक सुर में, एक लय में, एक ताल में एकत्रित करके प्रभु का राम मंदिर बनाया है, ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। आशा करते हैं हमारी बात आपकी समझ में आई होगी। सीताराम।